अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 6, द प्रोडिगल सन। प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है प्रोडिगल सन की, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोडिगल सन किसको कहते हैं। हम प्रोडिगल सन किसको कहेंगे? प्रोडिगल मीन्स फजूल खर्ची, जो फजूल खर्ची करेगा, यानी कि प्रोडिगल सन मीन्स फजूल खर्ची करने वाला बेटा, जो कि पेरेंट्स का न मानने वाला हो, उसको हम प्रोडिगल कहते हैं। द प्रोडिगल सन इज अ स्टोरी ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस ऑफ पेरेंट्स। द ऑलमाइटी हैज ब्लेस्ड मैनकाइंड विद अपटेन बाउंटीज एंड ब्लेसिंग्स, बट द मोस्ट लवेबल ऑफ देम is the selfless love, care and shelter provided to us by our parents. The story also reflects the grace and mercy of God, repentance on behalf of man is the only way to atone for the sinners. Parents ka kis tarike se pyar aur maaf करने का जो एक तरीका है, या पेरेंट्स का माफ करना, यह कहानी है। यह कहानी है ऐसे ही प्रोडिगल लड़के की, यानी वो लड़का जो बहुत फजूल खर्ची करने वाला है, यानी कि ज़्यादा पैसे वेस्ट करने वाला लड़का। चलो लेसन को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए रिच मैन हू हैड टू सन्स। एक अमीर आदमी था जिसके दो बेटे थे। ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच। वो अपने दोनों लड़कों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। द एल्डर सन वॉज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडेंट, बट द यंगर वन वॉन्टेड टू इन्जॉय विदाउट वर्किंग हार्ड। जो बड़ा लड़का था वो मेहनती था और अपने फादर की बात मानता था। वो बहुत काम करता था, हार्ड वर्कर था वो। लेकिन जो छोटा वाला था वो सिर्फ ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था बिना मेहनत के। ही वांटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। वो एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता था जहाँ कहीं कोई रोक टोक ना हो। He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. वो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था, न जिम्मेदारी बांटना चाहता था। इसकी नज़र जो थी वो थी अपने फादर की प्रॉपर्टी पे। He said his father, give me the share of the property that belongs to me. एक दिन उसने अपने फादर से कहा, जो मेरी सारी प्रॉपर्टी बनी है उसको मुझे दो, यानी कि जो प्रॉपर्टी मेरी बनती है वो मुझे दो। इनहेरिटेंसेस वर नॉर्मली गिवन व्हेन द फादर डाइड। प्रॉपर्टी ज़्यादातर तब दी जाती है जब बाप मर जाता है। दिस ब्रोज़न डिमांड्स फॉर एन अर्ली डिविजन ऑफ स्टेट वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर। जो इस लड़के ने डिमांड रखी थी कि पहले ही प्रॉपर्टी को बंटवारा कर दो, यह एक बहुत ही सेल्फिश और नासमझ वाली डिमांड थी। बट द फादर डिवाइड हिज वेल्थ बिटवीन द टू सन्स। लेकिन फादर ने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी थी इसे दोनों लड़कों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया। नॉट ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स द यंगर सन ट्रेवल्ड टू ए डिस्टेंट लैंड वेयर ही वेस्टेड हिज मनी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, ये जो लड़का था छोटा वाला, वो दूर दूर जो है ट्रेवल करने लगा, अपने सारे पैसे वेस्ट कर दिए। वेयर ही वेस्टेड हिज मनी, जहाँ पे वो उसने सारे पैसे अपने खर्च कर दिए। ही लेविशली डाइनड, वाइनड एंड गैम्बल्ड।
तो क्या होता है जब किसी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो फ्री होता है, तो इसने क्या किया, वो बहुत अच्छे अच्छे खाना खाने लग गया। उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। एट लास्ट व्हेन ही हैड स्पेंट ऑन द लास्ट पेनी ही ऑलमोस्ट स्टार्व्ड टू डेथ। आखिर उसके पास जो थोड़े से पैसे बचे थे जब वो भी खर्च किए, अब वो भूखा मरने लगा। देयर केम अ टेरिबल फ्यूएन थ्रू आउट द कंट्री दैट मैड लिविंग हर्ष। वहाँ एक खौफनाक कहत फैल गया कंट्री में, जिसकी वजह से जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया। ही हैड नो मनी, नो होम टू लिव इन एंड नथिंग टू ईट। अब ना उसके पास पैसा था, ना घर था रहने के लिए, और ना ही कुछ खाने के लिए था। ही बैडली नीडेड ए जॉब, सो ही हायर्ड हिमसेल्फ टू वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कंट्री हु सेंट हिम ऑन द हिम टू हिज फील्ड्स टू फीड एनिमल्स। अब इसको बहुत ज़्यादा एक काम की ज़रूरत थी। अब उसने अपनी ही कंट्री में जो रहने वाले लोग थे, इनके घर जाकर बोला कि भाई मेरे को नौकरी में रखो। तो उन्होंने उसको नौकरी पे रखा, अपने खेतों में भेज दिया कि वहाँ जाकर जानवरों को चारा खिलाओ। ही लॉज्ड टू मेक ए मील ऑफ द पॉड्स द एनिमल्स वर ईटिंग बट नो वन गेव हिम एनी थिंग। तो उसको क्या करना था, उसको खाना बनाना, मील बनाना था घास या कुछ एनिमल्स के लिए, मगर किसी ने इसको कुछ नहीं दिया। बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।